एक बार प्रभु श्री कृष्ण भगवान जी से सत्य बाबा ने पूछा कि मैं आपको कैसी लगती हूँ, तो प्रभु श्री कृष्ण भगवान जी ने जवाब दिया कि आप मुझे नमक जैसी लगती हो। सत्यभामा इस तुलना को सुनकर गुस्सा हो गई। तुलना की तो किससे की, आपको इस संपूर्ण विश्व में मेरी तुलना करने के लिए कोई और पदार्थ नहीं मिला। श्री कृष्ण ने उस वक्त तो किसी तरह सत्यभामा को मना लिया और उनका गुस्सा शांत कर दिया। कुछ दिन पश्चात भगवान श्री कृष्ण भगवान ने अपने महल में एक भोजन का आयोजन किया जिसमें 56 भोग की व्यवस्था हुई। सर्वप्रथम श्री कृष्ण भगवान जी ने सत्यभामा से भोजन प्रारंभ करने का आग्रह किया। सत्यभामा ने जैसे ही पहला कौर मुंह में डाला, मगर क्या, सब्जी में तो नमक ही नहीं था, कौर मुंह से तुरंत निकाल दिया। दूसरा कौर मावा मिश्री का मुंह में डाला, फिर क्या, उसे चबाते चबाते बुरा सा मुंह बनाया और पानी की सहायता से किसी तरह मुंह से अंदर उतारा। तीसरा कौर कचौड़ी का मुंह में डाला और तुरंत थूथू करके बाहर निकाल दिया। अब सत्यभामा का पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। जो जोर से चीखने लगी कि रसोई किसने बनाई है। सत्यभामा की आवाज सुनकर प्रभु श्री कृष्ण भगवान जी दौड़े चले आए और पूछा कि क्या हुआ, कुछ गड़बड़ी हो गई क्या, इतने क्रोधित क्यों हो आप, तुम्हारा चेहरा इतना तमतमाया क्यों है, क्या हो गया। सत्यभामा ने कहा, किसने कहा था आपको भोजन पकाने के लिए और किसने कहा था आपको भोजन आयोजन करने के लिए, इस तरह बिना नमक की रसोई बनती है क्या, किसी वस्तु में नमक नहीं है, मीठे में शक्कर नहीं है, एक कौर खाया नहीं जा रहा है। फिर प्रभु श्री कृष्ण भगवान जी ने बड़े भोलेपन से कहा, क्या हुआ देवी, बिना नमक के भी तो आप खा लेती। सत्यभामा ने गुस्सा से बोली, लगता है आपका दिमाग फिर गया है, बिना शक्कर की मिठाई कैसे खाई जाएगी और बिना नमक के नमकीन वस्तु कैसे खाई जाएगी। तब प्रभु श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा, उस दिन क्यों गुस्सा हो गई थी जब मैंने तुम्हें नमक कहा था। अब सत्यभामा जी को सारी बात समझ में आ गई। वो समझ गई कि मुझे सिखाने के लिए प्रभु श्री कृष्ण भगवान जी ने ये कहानी रची है। तात्पर्य, स्त्री जल की तरह होती है, जिसके साथ मिलती है उसका गुण अपना लेती है। स्त्री नमक की तरह होती है, जो अपना अस्तित्व मिटाकर अपने प्रेम प्यार और आदर सत्कार से परिवार को ऐसा बना देती है। और शायद इसलिए दुनिया में राम से पहले सीता का और श्याम से पहले राधे जी को याद किया जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमें स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें प्रेम पूर्वक रखना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो, लगाओ कुछ सीखने को मिला हो, तो इसी वक्त हमारे YouTube चैनल को लाइक कर दीजिए। इसी तरह यूजफुल कंटेंट हम प्रतिदिन आपके लिए बनाते रहते हैं। जय श्री कृष्ण।